Hello, good afternoon, every student and dear friend. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रिवर्स वेस में. हम आपका इससे पहले देख चुके थे एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन, ये सब चीजें हम डिस्कस. अब बात कर लेते हैं यार आपका स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड. स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड. अब देखो स्टैटिक रेजिस्टेंस नंबर फर्स्ट, रेजिस्टेंस क्या है जब किसी डायोड में स्टैटिक डीसी करंट स्टैटिक ना करके आप स्टडी करिए. स्टैटिक डीसी करंट फ्लो होती है तो उसके तो उसके प्रतिरोध को तब उसके रेजिस्टेंस को स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं. डायोड का स्टैटिक रेजिस्टेंस आरडीसी, डायोड का स्टैटिक रेजिस्टेंस RDC at that voltage that voltage V where उसमें flow
होने वाली करंट आई के रेशियो का रेशियो होता है। जैसे आप देखिए आर डी सी इक्वल टू बी डी अपॉन आई, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या है, आर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी वीडी अपॉन आईडी, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक रेजिस्टेंस, जब किसी डायोड में स्टेडी डीसी करंट फ्लो होती है तब उसके रेजिस्टेंस में स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। डायोड का स्टैटिक रेजिस्टेंस आर डीसी एंड अप्लाइड वोल्टेज वी एंड उसके फ्लो होने वाली करंट आई के रेशियो का होता है, ठीक है। आर डी सी इक्वल टू अपॉन वी डी अपॉन आई डी, ये स्टैटिक रेजिस्टेंस है। डीसी करंट पर डिपेंड जो होती है तब उसमें रेजिस्टेंस का स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसको बाय ग्राफ देख लेते हैं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पॉइंट फोर पॉइंट वन पॉइंट सिक्स एंड पॉइंट सेवन, ठीक है। थ्री टू वन, थ्री टू वन जीरो।
अब देखिए ये वाला फिगर आप ऐसे डायोड है आपको, ये वोल्टेज अप्लाई किया है आप, और ये इसमें रेजिस्टेंस ए। डायोड पर केवल डीसी वोल्टेज अप्लाई है, डायोड पर ओनली डीसी वोल्टेज अप्लाई। डी फिगर क्या कहता है आपका? डायोड कैरेक्टरिस्टिक डायोड कैरेक्टरिस्टिक से डीसी स्टैटिक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की गणना लिखो। देखो पॉइंट ए पर देखिए आप वोल्टेज, पॉइंट ए पर देखो वोल्टेज कितना है 0.7, और आपका करंट कितना है 14 मिली एम्पियर लगभग। ये देखो 15 एंड ये 14 मिली एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद देखें, जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो आर एफ क्या हो जाएगा आपका, फोटो डिवाइस में रेजिस्टेंस 0.7 वोल्ट अपॉन 14 × 10⁻³। ये देखो कितना आएगा 50 ओम, ठीक है। अब आप देखिए हम पॉइंट पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर देखिए, पॉइंट बी पर आपका देखिए 0.6 आपका वोल्टेज है और 6 एम्पियर, ठीक है। पॉइंट बी पर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 6 एम्पियर हमने दिया, 6 एम्पियर अप्रोक्सीमेट 6 एम्पियर है, बात है। और छह है और यहाँ पांच, ठीक है। तो पॉइंट बी पर वोल्टेज कितना है 0.6 वोल्ट, आई कितनी है 6 मिली एम्पियर है। देखो 6 मिली एम्पियर करंट और वोल्टेज कितनी है आपकी 0.6। अब आर एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6 6 × 10⁻³ इक्वल टू ये आपका आएगा 100 ओम, ठीक है। अब ऐसे ही पॉइंट सी पर वीडी इक्वल टू -10 वोल्ट, आईडी इक्वल टू
माइनस वन माइक्रो एम्पियर। पॉइंट सी ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, माइनस, क्योंकि इधर माइनस, जो आपका क्वाड्रेंट है माइनस 10 वोल्ट, एंड कितना हुआ आपका करंट आपका माइनस के 1 माइक्रो एम्पियर। जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आर आर इक्वल्स टू 10 वोल्ट अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये आएगा 10 टू द पावर 7 ओम, ठीक है। देखो पॉइंट ए पॉइंट बी पे बढ़ गया, और पॉइंट सी की जब हम बात करते हैं इसके रिवर्स वाइज, तो रेजिस्टेंस आपका क्या है, इंक्रीज हो रहा है रिवर्स वाइज में। तो देखो क्या है कि आपका फॉरवर्ड बायस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ओम है, जैसे 50 ओम है, यहाँ पर 100 ओम है, लेकिन जैसे आप रिवर्स बायस में बात करते हैं तो ये मेगा ओम में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स बायस में जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक रेजिस्टेंस की हम जब वो बात करते हैं तो रिवर्स बायस में आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायनामिक रेजिस्टेंस की। डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस किसी डायोड में करंट की वैल्यू अपने औसत मान में परिवर्तित होती है, तो डायोड
देखिए, जब किसी डायोड में करंट की वैल्यू हमने औसत मान से अपने एवरेज वैल्यू से चेंज होती है, तब डायोड की वोल्टेज में स्मॉल चेंजेस डेल्टा वी करंट में स्मॉल चेंजेस डेल्टा आई रेशियो को डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, जब किसी डायोड में करंट वैल्यू अपने एवरेज वैल्यू से चेंज होती है, एवरेज वैल्यू से, तब डायोड में वोल्टेज में स्मॉल चेंजेस और करंट में भी स्मॉल चेंजेस आते हैं, इसे डायोड का आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे फिगर बना के दिखा देते हैं आपको, डायोड में इसी के साथ साथ एसी वोल्टेज अप्लाई। अब आप इसको देखिए,
पैन डेवलप है वोल्टेज पॉइंट सिक्स बट 65 वोल्ट। ठीक है जी, डायोड कैरेक्टरिस्टिक में एसी डायनेमिक रेजिस्टेंस की गणना लिख लीजिए। फिगर बी, डायोड डायोड कैरेक्टरिस्टिक से एसी डायनामिक रेजिस्टेंस की गणना करना। अब देखिए आप आर डी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो वी डी वन इक्वल टू कितना है 0.75 और आपका आई डी वन कितना है 4 मिली एम्पियर। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15। ठीक है, अब वी डी वन में देखिए 0.5 और आई डी कितना है 4 मिली एम्पियर। अब उसको देखिए वी टी टू इक्वल टू 0.65, वी आई डी टू कितना है आपका 10 मिली एम्पियर। जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका डायनामिक रेजिस्टेंस